अनूपपुर सिटी में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं ताज़ा समाचार। आज हम बात करेंगे रविवार को दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में खेली गई देश की पहली अल्टीमेट खो खो सुपर लीग के बारे में, जिसका आयोजन भारतीय खो खो संघ के द्वारा किया गया था। 15 फरवरी को इस लीग के पहले फाइनल मुकाबले खेले गए और विजयी टीमों को पुरस्कार वितरित किए गए। लीग के समापन अवसर पर उपस्थित हुए पूर्व केंद्रीय खेल मंत्री विजय गोयल ने खिलाड़ियों के प्रदर्शन की सराहना करते हुए कहा कि खो खो पहले के मुकाबले काफी रोमांचक और मजबूत हुआ है। अनूपपुर सिटी के लिए राजेश शर्मा की रिपोर्ट। आपने देखा होगा जितना ये फास्ट खेल है उतना दूसरा कोई फास्ट खेल नहीं है। मैं खो खो फेडरेशन के प्रेसिडेंट सुधांशु मित्तल जी को बधाई देना चाहता हूँ। आज तक अपने जीवन में इतना बढ़िया मैंने देखा नहीं। जोरदार तालियां हो गई। जिस तरीके से उन्होंने फेडरेशन को बनाया है, जिस तरीके से चलाया है। आइए सुधांशु त्रिवेदी इधर ही आ जाओ। विनोद जी इधर ही। विनोद सर आप कितने हो? आइए आपको बुला रहा हूँ। ये मेरे बड़े होने के कारण हम इनको जीतने का मौका देते थे और मैं समझता हूँ कि आज खो खो के खेल में जो परिवर्तन आए हैं, हमारे टाइम में 9 प्लेयर थे, अब 7 प्लेयर हैं और आप देख रहे हैं जितना फास्ट हो गया है और धीरे धीरे अल्टीमेट खो खो करके सुधांशु मित्तल जी ने जिस तरीके से इसको आगे किया है, मैं उनको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। खासतौर से आप सब लोगों को जिन्होंने इस खेल को चुना है।